इकोनॉमिक रूप से बढ़ने वाला देश है, पर बहुत शीघ्र ही भारत नए आयाम इसमें उपलब्ध करेगा। तो भारत की इकोनॉमी की जो ताकत है वो है भारत के लोगों की ताकत से। दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है भारत, सबसे ज्यादा आबादी है भारत की, और फिर उस आबादी को जिस तरह से आज भारत में हार्नेस करने का जो पॉपुलेशन डिविडेंड है उसको लेने का जो हमारा निरंतर चल रहा है प्रयत्न, उस सब को देखते हुए और दूसरी तरफ यूएई की जो महत्वाकांक्षा है, वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, उन सब की जो एक जिसको कहना चाहिए रेजोनेंट महत्वाकांक्षा है, वो ये है कि यूएई को दुनिया के नक्शे में ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं कि दूसरों को उसको देख के फक्र हो। तो इन दोनों में काफी तालमेल है, एक तरह का अनुनाद हो रहा है, एक तरह का रेजोनेंस हो रहा है, और वो रेजोनेंस दुनिया के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें कोई खराबी नहीं है, किसी के लिए किसी के विरुद्ध में नहीं है और कोई जीरो सम गेम नहीं है किसी और देश के लिए, किसी की महत्ता कम करने के लिए नहीं है। ये निरंतर मिलके एक नई चीज क्रिएट करना, और ये जो आज की दुनिया के जो सवाल हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी है, जो इन सब के लिए भी दोनों का जो आउटलुक है वो समान है। उसमें यूएई को देखिए कहां वो ऑयल रिच कंट्री है, पर आज वहां पे दुबई में, अबू धाबी में जो नई योजनाएं आ रही हैं, जो नई चीजें बन रही हैं, उसमें फ्यूचर का जो वर्ल्ड है उसकी उसकी तरफ निगाह है पूरी तरह। जी हाँ बिल्कुल श्रीकांत जी, जो आपने कहा तेल से इतर भी जो तमाम क्षेत्र है उसमें नई संभावनाएं ढूंढी जा रही हैं। हम देख रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र भी एक ऐसा बड़ा क्षेत्र भारत के लिए है, और भारत की बहुत सी ऐसी उसमें उपलब्धियां हैं जिसका एक उदाहरण हम यूपीआई में भी देख ही रहे हैं, और यूएई के साथ जो सीईपीए भी जो के साथ जो भारत आगे बढ़ा है इस समझौते के साथ, उसमें अभी भी स्टार्टअप एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अपार संभावनाएं हैं और भारत उसमें अग्रणी भूमिका अदा कर सकता है। श्रीकांत जी आप हमारे साथ हैं? जी हाँ मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और ये जो भूमिका भारत की है ये और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारी जो दूरी है वो इतने करीब है, जो भारत की और यूएई के बीच की जो सामुद्रिक दूरी है बहुत कम है, एक दूसरे के पास हम जा सकते हैं, जितनी फ्लाइट्स जा रही हैं, जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल बगैर किसी रिंकल के, बगैर किसी बाधा के है, और जो जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी का लेवल है उसमें भी सरकारें दोनों तरफ से तैयार हैं, अगर पॉलिसी के लिए कोई नई चीज की जरूरत पड़ती है तो दोनों तत्पर हो जाते हैं और उसको कार्यान्वित करते हैं। फिर एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनके लिए भी संवेदना है बाकायदा पूरी। तो भारत को अगर किसी समय में किसी चीज में अगर कुछ परेशानी है तो यूएई से अगर भारत अपेक्षा रखता है तो बराबर वो जो रिस्पांस आता है वो भरपूर रिस्पांस होता है, उसमें कोई हाथ खींचने वाली बात नहीं है। और फिर जिस तरह से हम लोगों के पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, आप देखिए जैसे भारत में सब लोग जानते हैं क्रिकेट जो है भारत के लिए बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और क्रिकेट यूएई में हो जाता है तो भारत के लिए उसमें किसी बाधा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई क्रिकेट मैच यहां नहीं हो रहा यूएई में होना है तो यूएई में तैयार होने को तैयार हो जाते हैं, और इस तरह से जो लोगों को जो चीजें पसंद है वो बिल्कुल बगैर किसी बाधा और रोक के, हिचक के वो होने लगती है।